दिल्ली पुलिस के सूत्रों से बड़ी खबर, आज माता पिता का बयान दर्ज नहीं होगा। केजरीवाल के माता पिता का बयान आज दर्ज करने नहीं पहुंचेगी दिल्ली पुलिस। पुलिस सीएम आवास पर नहीं आ रही है, ये खबर दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से मिल रही है। देखिए, आज स्वाति मालीवाल के केस में केजरीवाल के माता पिता का बयान दर्ज होने वाला था, ऐसी खबर मिल रही थी कि सीएम आवास पर पहुंचकर दिल्ली पुलिस बयान दर्ज करेगी। लेकिन अब सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि पुलिस सीएम आवास नहीं आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे दो सहयोगी इस वक्त सीधे कनेक्ट हैं। सबसे पहले वरुण आपके पास आते हुए और उसके बाद मैं जाऊंगी अपने दूसरे सहयोगी के पास। लेकिन सबसे पहले वरुण, आप बताइए कि क्या जानकारी हमारे पास है इस खबर को लेकर, क्या इसके पीछे की वजह अभी तक कुछ क्लियर हो पाई है कि क्यों आखिर दिल्ली पुलिस अब बयान दर्ज करने के लिए नहीं पहुंच रही है? देखिए बिल्कुल, जो स्वाति मालीवाल ने पुलिस के सामने बयान दर्ज कराए थे उसमें उसने बात कही थी कि जो केजरीवाल के माता पिता हैं वो घर के अंदर ही मौजूद थे। वो सबसे पहले जब घर के अंदर दाखिल हुई थी उन्हीं से मुलाकात हुई थी, उनको विश करने के बाद वो डाइनिंग रूम में चली गई थी। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पिछले दो दिनों से कोशिश कर रही थी कि सीएम आवास पर जो अरविंद केजरीवाल के माता पिता से समय मिल पाए और उनके बयान दर्ज कर सकें। आज सुबह 11:30 बजे का समय मिला था दिल्ली पुलिस को बयान दर्ज करने थे, लेकिन सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि फिलहाल अभी दिल्ली पुलिस इनके बयान दर्ज करने के लिए यहां पर नहीं आ रही है, यानी कि आज बयान दर्ज नहीं किए जाएंगे। अब बयान दिल्ली पुलिस कब करेगी, क्या किसी और दिन दर्ज करेगी, या अरविंद केजरीवाल के माता पिता के बयान दर्ज ही नहीं किए जाएंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। विभव अभी पुलिस की रिमांड पर है, आज आखिरी दिन है, कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो कई कुछ प्रायोरिटीज भी होती हैं जिनको लेकर जो प्लानिंग के अंदर कुछ बदलाव होते हैं। तो अभी फिलहाल आज जिस तरीके से यहाँ पर पहुंच के बयान दर्ज किए जाने थे वो बयान दर्ज नहीं होने हैं। आगे किस तरीके का पुलिस का एक्शन होगा, क्या बयान दर्ज करेंगी या नहीं करेंगी? वरुण, मैं आपके पास लौट रही हूँ। दीपक हमारे साथ कनेक्ट है केजरीवाल के घर से सीधे। दीपक, इस पूरे मामले को लेकर जहां आम आदमी पार्टी लगातार इस बात का जिक्र कर रही थी कि बूढ़े माता पिता तक को नहीं छोड़ रही है बीजेपी, लेकिन अब इस बीच एक बड़ा अपडेट ये आता है कि बयान हो सकता है दर्ज ना हो, अब इन सबके बाद सियासी हलचल किस तरीके की देख पा रहे हैं आप? देखिए, जब कल दिल्ली पुलिस ने समय मांगा था अरविंद केजरीवाल से कि उनके माता पिता से पूछताछ होनी है, वो समय बता दीजिए, और तभी से अरविंद केजरीवाल ने पहले ट्वीट किया और उनके तमाम पार्टी नेता ये कहने लग गए कि अब बुजुर्ग माता पिता को भी इस गंदी राजनीति में घसीटा जा रहा है। आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि एक गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी स्वाति मालीवाल के साथ नहीं हुआ है जैसा वो कह रही हैं। और ये वजह है कि इसको इतना बड़ा तूल इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि दिल्ली में चुनाव है और चुनाव में प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, ये सीएम आवास है 6 फ्लैग स्टाफ मार्ग सिविल लाइन का, जहां पर आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता सुबह 9 बजे से ही मौजूद हैं। और आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि क्यों एक सीएम के बुजुर्ग माता पिता को राजनीति में घसीटा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की माता जी अभी कई महीने अस्पताल में रह के घर लौटी हैं, ऐसे में वो कैसे पुलिस को डील कर पाएंगी? और ये वजह है कि अभी भी ये नेता यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं पुलिस का, क्योंकि 11:30 बजे का समय दिया गया था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।